इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे लाहौर की एक बेहतरीन हिडन सज्जी। डॉगर सज्जी जो कि ताजपुरा मेन रोड के ऊपर अवेलेबल है। भाई सबसे पहले तो इसकी लोकेशन का क्रेडिट जाएगा साकिब मुबीन को, जिसने सबसे पहले इस जगह को एक्सप्लोर किया, डिस्कवर किया, और उनके मुताबिक ये लाहौर की वन ऑफ द बेस्ट सज्जी है। दिस इज एक्सेप्शनल, कमाल चीज़ है यार ये। अगर आपने लाहौर में अच्छी सज्जी खानी है ना तो यार दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। तो हम आज इस सज्जी को ट्राई करेंगे और देखेंगे क्या वाकई ये लाहौर की बेहतरीन सज्जी है। इससे पहले भी हम 4 से 5 सज्जी ट्राई कर चुके हैं, जिसके अंदर खलीफा की सज्जी, अल खैर की सज्जी है, जट दारुल माहिया, हीरा की सज्जी है और चुल्लू की सज्जी है। और इन सब में से हमारी जो फेवरेट सज्जी थी वो जट दारुल माही की थी। और अभी तक अगर आप लोगों ने वो जट दारुल माही की सज्जी ट्राई नहीं की तो डेफिनेटली जाके ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मेरी पसंदीदा सज्जी जट दारुल माही है। और क्या आज ये डोगर की सज्जी जट दारुल माही को बीट कर पाएगी? लेट्स फाइंड आउट। वैसे तो लोकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहें तो बाट चौक ताजपुरा स्कीम है ये। आप नहर की तरफ से, अगर आप मुगलपुरा की तरफ से आते हैं तो नया पुल से टर्न लेना है अंदर की तरफ। अगर आप जल्लो की तरफ से आते हैं तो तब भी फिर आप बाट चौक ताजपुरा, बड़ी फेमस जगह है ये। ताजपुरा स्कीम की मेन रोड पर जब आप बाट चौक की तरफ आएंगे तो आपको ये UBL बैंक नज़र आएगा, आपको मिजान बैंक नज़र आएगा, और उसके ऑपोजिट आपको अलाइट बैंक नज़र आएगा, और बिल्कुल सामने ही आपके जो है वो डॉलर शॉप होगी। UBL बैंक के बिल्कुल नीचे ही आपको डॉगर सज्जी वाले मिलेंगे। तो चेक करते हैं भाई क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। लैदा जानी है लैदा की रेट है ऐसे इस तरह 10 रुपए की एक गर्दन, चावलों के साथ ही के बगैर उसके हैं। सज्जी के साथ भी खाते हैं, नान शान के साथ भी खा लें। तो इस जगह के ऊपर आपको रश कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा। अरे सज्जी की वजह से नहीं, सज्जी तो इनकी अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पर जो मेन वजह रश कम होने की, इन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, तकरीबन 4 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। चूंकि यहाँ पर रश इतना ज़्यादा नहीं होता तो ये लोग क्या करते हैं कि 4 बजे जब रेस्टोरेंट ओपन करते हैं तो मोस्टली जो चिकन के पीसीज हैं वो तभी कुक करके अपने पास रख लेते हैं और फर्दर फिर उनको यूज करते रहते हैं। सब्जियाँ किधर बन रही हैं? मतलब इधर तो ये हाफ कुक्ड आई है ना, इससे पहले कहाँ लगी हुई है? 4 बजे लगा देते हैं साइडों पे, उसके बाद 2 घंटे पकने में लगती हैं। तो अभी उतार के रखी हुई हैं, हाफ कुक रखी हुई हैं, बस गरम कर रहे हैं, और जैसे ही ऑर्डर आता है उसकी मुनासिबत से ये गरम करके सब्जी को जो है वो सर्व करते रहते हैं। तो ये सब्जी आपको 4 बजे से 12 बजे तक यहाँ पर मिल जाएगी। प्राइसेस क्या है सब्जी की? फुल हमारी सब्जी है 1600 रुपये की, हाफ 840 रुपये की है, और क्वार्टर 480 रुपये की है। क्वार्टर 480 की। और लोकेशन कैसे गाइड करेंगे आप? तो बेसिकली सज्जी तो इनकी फेमस चीज़ है ही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर आपको बारबेक्यू भी मिलेगा। स्पेशल तो हम सज्जी का ही करते हैं और बारबेक्यू भी है, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा सज्जी पे ही होता है। तो आए ज़रा बारबेक्यू के ऊपर भी नज़र डालते हैं। बारबेक्यू में क्या क्या है भाईजान? कबाब है, टिक्का है, नेबलेट है। कबाब, टिक्का, नेबलेट, लेग पीस, ये सारी चीज़ें चल। अच्छा, ये नेबलेट के क्या प्राइस है? 160। इसमें कितने हैं? 6 पीस। 6 पीस हैं, सही। और ये मलाई बोटी है? 4 पीस। ये चिकन का कबाब है? चिकन कबाब है। तो बेसिक सा बारबेक्यू है जिसमें नेपलेट, चिकन के कबाब है, चिकन के पीसेज हैं, चिकन टिक्का है, मलाई बोटी है, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। 10 से 12 सदियों से हमने स्टार्ट लिया था, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने टेस्ट को एक जैसा रखा, कस्टमर सर्विस ठीक रखी, जिसकी वजह से लोगों का रुझान बढ़ता ही गया। तो इस जगह की अगर बात करें तो ओवरऑल जगह ठीक ठाक है खाने के मुनासिबत से, क्योंकि जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी 4 साल ही हुए हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस जगह को बिल्ड कर रहे हैं। एक बैंक के बिल्कुल नीचे यहाँ पर आपको जो है वो बारबेक्यू, चावल और फिर सब्जी लगती हुई नज़र आएगी ओपन एरिया में, और उसके बाद छत के ऊपर जो है वो इनकी बेसिक सिटिंग का प्लान है, जहाँ पर प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं और साथ ही जो है वो फैमिली के बैठने के लिए भी अलग से जगह मौजूद है। तो अगर आप यहाँ पर बैठकर सब्जी इंजॉय करेंगे तो एक ही श्योर, अगर तो आपके पास पंखा नहीं लगा हुआ तो आप मेरी तरह पसीने के अंदर फुल नुचड़ जाएंगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर बैठ के सब्जी खाना बहुत मुश्किल है। तो अभी आप क्या समझते हैं कि आपकी सब्जी में क्या सबसे स्पेशल चीज़ है? क्योंकि सब्जी तो हर जगह मिल रही है ना। हमारी सब्जी पहली बात है, एक तो बड़ी साफ़ सुथरी होती है,
सेकंड ये है कि हमारी सब्जी बड़ी ही सॉफ्ट होती है, आपको उसके अंदर ब्लड वगैरह नज़र नहीं आएगा। और मसाले हमारे अब 4 साल पहले जो थे वो आज भी वही हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कब से का? मैं मैक्सिमम मुझे 6 माह हो गए हैं और मैं गढ़ी चौक से आता हूँ खाने के लिए। अच्छा। और खलीफा मेरे घर के पास ही है, लेकिन ये ज़्यादा माशाल्लाह खलीफा को छोड़ के यहाँ पे हाँ यहाँ आते हैं। यहाँ तो जनाब यहाँ से ट्राई करते हैं सब्जी को, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। हाय 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 यार, सीने का जो पीस होता है वो सबसे ज़्यादा सख्त होता है, लेकिन यहाँ पर जो सीने का पीस है ना नहायत ही नरम लग रहा है, पर लेग पीस के ऊपर तो ओए होए होए हो यार हाथ से निकल रहा है। और अगर लेग पीस की बोटी भी चेक करेंगे तो ये लेग पीस जनाब वहीं का वहीं रह गया और हड्डी सिर्फ यहाँ पर मेरे हाथ में आई है। तो भाई साहब अगर सब्जी के चिकन की बात करेंगे ना, और जो सीना है ना बहुत सारी जगहों से बेहतर लग रहा है। अच्छा, पूरी सब्जी का पोस्टमार्टम हो गया, अब जो है वो सबसे पहले इनके करते हैं चावल ट्राई। और यहाँ पे गाजरें भी नज़र आ रही हैं, छुआरे छुआरे भी नज़र आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी सब्जी की निशानी होती है। आपको जो है वो चीज़ें बहुत आला, हल्के से मसाले ज़्यादा हैं लेकिन जो चावलों का मज़ा है ना वो ऑथेंटिक है। एक जो है वो बाइट बनाते हैं। छुआरा आ गया, कुछ चावल आ गए, उसके ऊपर आ गया हमारा चिकन का पीस, उसके ऊपर हम लोग डालेंगे इनका रायता। तो मेरे हिसाब से यार वर्थ विजिटिंग है ये प्लेस, आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और एक दफ़ा ये सब्जी ज़रूर ट्राई करें। हालांकि ये जगह जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 4 साल ही हुए हैं इन लोगों को शुरू किए हुए। आई डोंट नो कि पिछला इनका क्या एक्सपीरियंस है, किधर से आए हैं, किधर से सीख के आए हैं, ये कुछ नहीं पता, लेकिन जो सब्जी का लेवल है ना बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत ऊपर के लेवल की सब्जी बनाई हुई है इन्होंने। तो फाइनली भाई कंक्लूजन की तरफ आते हैं, क्या ये सब्जी जट दारुल माही को बीट कर पाई है? देखो भाई ओवरऑल सब्जी की अगर बात करें तो आउटस्टैंडिंग सब्जी है यार, थोड़ी सी स्पाइसी है, चावलों के अंदर भी आपको स्पाइसीनेस मसाले वगैरह मिलेंगे, और जो चिकन है बहुत ज़्यादा जूसी है, बहुत टेंडर है, बहुत मज़े का चिकन है, उसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसाले नज़र आएंगे। तो ओवरऑल थोड़ी सी स्पाइसी है, आपको मज़ा आएगा खाने में, आपके पसीने जो है वो गर्मी की वजह से भी छूट रहे होंगे और इसकी मिर्चों की वजह से भी जो है वो आपके पसीने निकल रहे होंगे। अगर तो आपको स्पाइसी चीज़ें थोड़ी सी पसंद है तो ये सब्जी डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है। तो सब्जी की बात करें तो चावल बहुत अच्छे थे, सब्जी बहुत अच्छी थी, लेकिन जट दारुल माही अभी भी मेरी लिस्ट के अंदर टॉप पे है, एंड हो गई है यहाँ पर जो है ना वो सब्जी वाली एंड हो गई है, क्योंकि वो सब्जी का एक अलग ही लेवल है, वो डेफिनेटली जो है वो अभी भी हमारे टॉप के ऊपर है, लेकिन ये सब्जी भी बिल्कुल भी कम नहीं है, डेफिनेटली ट्राई करनी बनती है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर तो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।